Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. We Sanu, and you are watching Sun Nonstop. The guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो कंपैरिजन होने जा रहा है इंडिया के सिनेमा हॉल का पाकिस्तानी सिनेमा हॉल से. इंडिया का लग्जरी सिनेमा हॉल वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो बहुत ही बेहतरीन और लग्जरी किस्म का सिनेमा हॉल है. इन दोनों के अंदर कंपेरिजन होने जा रहा है. देखते हैं कि फैसिलिटीज और अच्छे से जो है वो सीट्स वगैरह जो है वो किस सिनेमा के अंदर ज्यादा है. तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और गाइस, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे जाकर सपोर्ट कीजिए. तो पहले जो है हम लोग पाकिस्तान का सिनेमा हॉल देखते हैं, लेकिन हम इंडिया का देखेंगे. तो वीडियो हमारी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है. यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. और एज़ यू कैन सी वी आर इन सिनेमा और हम मूवी देखने आए हैं. व्हाई आई एम सो एक्साइटेड टुडे संडे, और काफ़ी दिनों से बिल्कुल मेस्ड अप चल रही थी रूटीन. और हम क्यू सिनेमाज आए हैं गुलबर्ग में, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि वी शुड गो फॉर अ मूवी ऑन संडे संडे इवनिंग. और हमने ऑनलाइन टिकट्स ले ली थी, और हमने गोल्ड टिकट्स ली थी विच वॉज 30% ऑफ ऑन कार्ड. अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 30% ऑफ होगा. उसके अलावा दीज आर वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज इन लाहौर. तो अब हम पार्किंग टिकट लेंगे, पार्किंग कार्ड लेंगे, और विल गो इन द पार्किंग, क्योंकि बाहर बहुत रश है. बाहर मैंने बहुत कोशिश की कि पार्किंग मिल जाए, लेकिन इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली और भी मूवीज़ लगी हुई थी. तो हमने जो था वो तकरीबन 8 बजे का शो ले लिया था. एक शो 11:30 का भी था, लेकिन 11:30 बहुत लेट हो जाता. कब मूवी ख़त्म होती, कब घर जाते, तो आई थिंक ये टाइम सही था हमारे लिए. और शाम हो रहा तो शाम बहुत जल्दी हो जाती है. तो अब पार्किंग कर ली है मैंने, अब हम जल्दी जल्दी बस जाने की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 से 15 मिनट ही हैं, उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी. और बच्चों ने शोर मचाया हुआ था, और हम देखने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज. तो काफ़ी जब से लगी है तब से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन प्लान ही नहीं कर पा रहे थे. वीकेंड आता था फिर बिज़ी हो जाते थे. तो फाइनली अब डिसाइड किया. ये देखिए सिनेमा कितना ज़बरदस्त है, और लगता ही नहीं जैसे वाकई पाकिस्तान में है प्यारा. वाकई में, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे सिनेमाज बनना शुरू हो गए हैं. लाहौर का वन ऑफ द बेस्ट है, या तो शायद यही बेस्ट होगा सबसे. मैंने और भी देखे हैं, यूनिवर्सल भी मुझे बहुत पसंद है. तो क्यू सिनेमाज जब से हम लोग आए हैं तो हम यहीं पर ही आ रहे हैं. देखिए हर तरफ स्क्रीन्स चल रही हैं, इतना कलरफुल है, इतना ब्राइट है, और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, और सब अपना संडे स्पेंड करने आए हुए हैं, संडे इवनिंग गुजारने आए हैं मूवी देखने के लिए. और भी मूवीज़ लगी हुई थी, मैंने इतना गौर नहीं किया. एनिमेटेड मूवी भी थी एक, आई थिंक द बैड गाइज, वो भी बहुत अच्छी है. तो अभी तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने आए हैं. अभी देखिए हमने ऑनलाइन टिकट्स ली थी, तो फिर अब हम यहाँ से जो है उसकी स्लिप निकाल लेंगे ताकि हम लोग को हमारी सीट मिल जाए. और इसकी जो है वो टिकट्स नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब हर रेंज में, 500 में भी, 700 में भी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. तो हमने गोल्ड ली थी तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा था, तो फिर हमने वो ले ली. अगर आपको कुछ खाने पीने के लेना है आप वो भी ऑनलाइन वो कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जाके अपनी स्लिप शो करेंगे तो आपको खाना भी मिल जाएगा, जो आपको पॉपकॉर्न जो भी स्नैक्स लेते हैं. तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और बस मैं तो यही सब देख रही हूँ. देखें, इट्स सो डिजिटल एंड सो नाइस. हाँ, और मैं भी डेफिनेटली आप देख रही ऐसी हूँ, जगह कितना पर आते हो प्यारा. और आप ऐसा सब कुछ देखते हो तो बहुत डिफरेंट लगता है, सकता है आप कहीं बाहर आ गए हो. तो पाकिस्तान में बहुत कम जगह पर ऐसे होता है, लेकिन अब इट्स चेंजिंग. तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा मेन्यू है, ओ माय गॉड. रेस्टोरेंट्स भी हैं, और अगर आपके पास प्लेटिनम की टिकट है तो आप ऊपर जाएं, आपके पास लॉन्च होगा, और ये सब कुछ मतलब कि आपको प्रोवाइड वहीं पर होगा, आपकी सीट्स पे भी ला कर देंगे. तो ये देखिए मैंने पीच आइस टी ली है, माई फेवरेट. और मुझे हॉट डॉग्स भी पसंद हैं, लेकिन आई डेंट हैड इट, मुझे इतनी भूख नहीं थी इस बार. तो बच्चों ने पॉपकॉर्नस लिए, नाचोस दे लिए हम लोगों ने. नाचोस जो है वो मैं मिस नहीं करती, बच्चों ने कहा था रहने दें, लेकिन आई वाज लाइक आई वांट टू हैव नाचोस, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था. ये देखिए मेरे नाचोस आ गए. मूवी देखने जाए ना तो कुछ साथ पॉपकॉर्न खाने वाली चिप्स तो होनी चाहिए, चिप्स वगैरह होनी चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आता. But that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage expectations. What the hell?
अच्छा मूवी जो थी वो 3D थी, हम लोग भूल गए कि चेक करना भूल गए कि 3D है, तो यहाँ आके पता चला, तो फिर हम अपने ग्लासेस तो लाए नहीं थे, तो फिर हमें यहीं से परचेस करने पड़े, तो फिर हम इस तरह मूवी देखनी पड़ी है। वेल आपने देखा होगा ये सीट्स जो थी, ये देवर नॉट सीट्स, देवर सोफ़ाज, रिक्लाइनर्स थे जो हमने लिए थे, कम्फर्टेबल। ये देखें, घर में ऐसा एक सोफ़ा होना चाहिए, मतलब घर में लेके नहीं जा सकती थी। आई विश आई कुड टेक दिस होम, लेकिन बहुत मज़ा आया, इट वॉज सो कम्फर्टेबल, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मुझे तो बीच में नींद भी आने लगी थी। तो खैर अब हम फ्री हो गए, मूवी देख ली, इट वॉज अमेजिंग। और आई वुड से कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने ज़रूर जाएँ। और मूवी वॉज एक्सेलेंट, फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर। और जो फैंस हैं, इफ़ दे आर फैंस ऑफ मार्वल, सो आई एम नॉट गोइंग टू break the suspense, kyunki it's probably most of you have already watched it, and those who haven't, unke liye main ye kahungi should definitely check it out. I highly recommend, bahut achhi movie thi, my kids loved it and I loved it, so we go for Marvel movies all the time, so you should go and watch in Q cinemas, you will love it. Ab bas hum parking se nikal rahe hain aur jab humne time ओके, तो ये यहाँ पर इनका सिनेमा का टूर खत्म हो चुका है, अब इंडिया का देख लेते हैं। तो आज हम गए दिल्ली NCR के सबसे एक्सपेंसिव मूवी थिएटर, जहाँ एक आदमी की टिकट का प्राइस है पूरे 1000 रुपए। अब एक्सपीरियंस वर्थ था या नहीं, चलो जानते हैं। तो आज हमारा भाई अपनी नई सैमसंग एस वॉच का डिस्प्ले अपनी शर्ट के कलर से मैच करके निकला है दिल्ली के सबसे आलिशान और महंगे मूवी थिएटर PVR डायरेक्टर कट्स की ओर। गाइस ये थिएटर पड़ता है दिल्ली के वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में, और ये मूवी थिएटर इतना आलिशान है कि इसकी चकाचौंध देखकर 5-star होटल शर्मा जाए। विश्वास मानो, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना शानदार मूवी थिएटर देखा था। 10 पेजों का फूड मेन्यू, रिक्लाइनर, सोफा, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट, आप नाम लो यहाँ पर क्या नहीं है। अब हम बिल्कुल पीक आवर में निकले थे, तो रस्ते में हमारे गुड़गांव जाने वाले भाइयों के साथ बड़ा फस के हम लोग जाम में आए, तो इसलिए भूख जबरदस्त लगी थी, इसलिए सबसे पहले तो अपन ने यहाँ आते ही खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जगह की शान और शौकत देख कर भाई ये तो पता था कि आज बिल मोटा बैठने वाला है, पर ऐसा एक्सपीरियंस भी बार बार कहाँ मिलता है। तो अपन ने भी ऑर्डर किए मल्टी फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न, रेगुलर कोक और साथ में डिमसम, और टोटल बिल था पूरे 1700 रुपए का। पर चलो ठीक है, सह लेंगे पाकिस्तान के साथ। फिर अंदर जाकर जब थिएटर की चकाचौंध पे नजर मारी, तो कसम से भाई आंखें चौंधिया गई। भाई ये थिएटर कम किसी राजा महाराजा का महल ज्यादा लग रहा था। रिक्लाइनर, सोफे, डॉल्बी एटमॉस सराउंड, क्या एक नंबर डेकोर। और ये हर सोफे के साथ एक टेबल लैंप, वो भी पर्सनल। मेरे को तो कसम से अपने घर के बेड से ज्यादा ना ये अच्छा लगने लगा था। सबसे थिएटर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए है, क्योंकि इधर हर ऑडी में सिटिंग भी सिर्फ 30 से 40 लोगों की थी। और चीजें यहाँ खत्म नहीं होती, अब आपको हमारी कंफर्टेबल और अल्ट्रा स्पेशियस सीट पर कितने अमेजिंग फीचर थे उनके बारे में बताता हूँ। फीचर नंबर 1, ये रिक्लाइनर सोफा पर आप सिर्फ बैठ कर नहीं बल्कि एक बटन दबा कर लेट कर भी मूवी देख सकते हो। बैक की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर आपको बैक एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। थिएटर में ठंड लग रही है, कोई नहीं, हर सीट के साथ पर्सनल ब्लैंकेट भी मिलेगा। और ये तो कुछ नहीं, आपको भूख लग रही है ना, तो ऑर्डर करने के लिए मिलेगा एक 5-star होटल के जितना बड़ा मेन्यू कार्ड, जो पूरे 10 पेजों का था, लेकिन साला महंगा भी उतना ही था यार। अब क्या हुआ, डिसाइड कर लिया क्या खाना है, तो एक बटन दबाओ और स्टाफ को बुलाओ ऑर्डर देने के लिए, फिर आपको आपका खाना आपके टेबल पर ही मिल जाएगा। और अभी डेमो के तौर पर ये एक स्क्रीन भी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आगे चलकर आप अपनी पर्सनल स्क्रीन से ही अपने लिए खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, है ना गाइस, अमेजिंग। आज वैसे अपने लिए शान की बात थी कि एक लग्जरी थिएटर का स्टाफ भी हमारी वीडियोस देखता था, क्या बात है यार। अगर आप भी मेरी हर वीडियो देखते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी देखी थी, और जिसने सबसे पहली वीडियो देखी होगी जो कि सबसे पुरानी है, उसे मैं दूंगा 2 टिकट्स इस लग्जरी थिएटर में अपनी और अपनी जोरू के साथ मूवी देखने के लिए। जाओ कमेंट करो फटाफट। अब इन सब चीजों के साथ बस मूवी भी खत्म होने को आई थी। हालांकि ये मूवी थैंक यू फॉर कमिंग बड़ी एवरेज मूवी थी, लेकिन इस थिएटर में मूवी देखकर भाई मेरा एक्सपीरियंस तो वर्थ हो गया था। और हाँ, यहाँ के पॉपकॉर्न और डिमसम्स का भी टेस्ट काफी अमेजिंग था। अब बाहर निकले तो अपन ने देखा कि इधर ये ज्वेलरी वाला डिस्प्ले, और फिर इस एरिया के 2 चक्कर लगा दिया अपन ने वॉशरूम ढूंढते, तब जाके समझ आया कि साला सामने वाला दरवाजा ही वॉशरूम का दरवाजा है। लगता है मुझ गरीब को तो अभी ये अमीरों के वॉशरूम के साइन भी सीखने पड़ेंगे। तो भाई आज का मेरा ये एक्सपीरियंस तो पैसा वसूल रहा। आप कभी यहाँ पर आओ तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा या रहेगा।
ओके गाइस, और इतना लग्जरी जो है वो सिनेमा हॉल मैंने अपनी लाइफ में ना कभी देखा ना कभी सुना. मतलब इतने अच्छे से आप बहुत कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. और वो एलसीडी वाला जो था ना, मतलब उधर से ऑर्डर प्लेस कर लो तुम लोग, और हर किस्म की फैसिलिटी, और वो जो लैंप थे हर सीट के साथ, वो आइडिया बहुत यूनिक था. वो मैंने कभी नहीं पहले सुना देखा. और यार ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है. पाकिस्तान का सिनेमा, का सिनेमा से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था बनता. और ये इंडिया का एक छोटा सा सिनेमा हॉल था, अभी सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जो होगा ना, आप मुझे जरूर बताइएगा, उसके ऊपर रिएक्ट करूंगी. बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग वीडियो थी. तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.